क्या होता अगर कैप्टन अमेरिका ईविल बन जाता और हाइड्रा ज्वाइन कर लेता। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कैप्टन अमेरिका हाइड्रा ज्वाइन कर लेता तो हाइड्रा की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती। हाइड्रा जो हमेशा शैडोज में रहती थी अब ओपनली अमेरिका को कंट्रोल करने लगती। थिंक अबाउट इट, हाइड्रा के पास पहले से ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और अब कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर सोल्जर्स भी उनके साथ है, तो हाइड्रा इजिली वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान को एक्सिक्यूट कर सकती थी। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हाइड्रा अमेरिका को कंट्रोल करती तो उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसा होता। अब देखो हाइड्रा का मोटो है कट ऑफ वन हेड टू मोर शैल टेक इट्स प्लेस, यानी कि वो लोग किसी भी ऑपोजिशन को इजीली एलिमिनेट कर देता और उनके रिप्लेसमेंट रेडी होता। एंड अमेरिका जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए जाना जाता है हाइड्रा के अंडर ऑथोरिटेरियन रिजिम बन जाता। सब डिसीजन सेंट्रलाइज पावर के थ्रू होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच वैनिश हो जाता और डिसीजन को ब्रूटली क्रश कर दिया जाता। और पावर्स की बात करें तो हाइड्रा का एजेंडा सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहता। विद कैप्टन अमेरिका ऑन देयर साइड वो अपनी आइडियोलॉजी को ग्लोबली स्प्रेड करने की कोशिश करते। उनके पास सुपर सोल्जर सीरम का सीक्रेट है और वो दूसरे कंट्रीज में अपने एजेंट्स को डिप्लॉय करके वहां भी अपने कंट्रोल एस्टैब्लिश करते। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका ने अपनी सुपर पावर स्टेटस को एस्टैब्लिश की थी। अब इमेजिन करो अगर हाइड्रा उस पोजीशन में होती तो उनका मिलिट्रिस्टिक अप्रोच वर्ल्ड पीस के लिए कितना खतरा होता और एवेंजर्स उनका क्या होता। अगर स्टीव रॉजर्स उनके अगेंस्ट हो जाता तो एवेंजर्स को एक इनिशियली थ्रेट से डील करना पड़ता, फ्रेंड्स टर्निंग इनटू फोर्स, ट्रस्ट इश्यूज एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड हाइड्रा स्ट्रेटजिकली एडवांटेज गेन करती और एवेंजर्स का यूनिटी ब्रेक हो जाता। अब देखो सोचने वाली ये बात है कि स्टीव रॉजर्स की एक डिसीजन कैसे पूरी वर्ल्ड को इंपैक्ट कर सकता था, बट थैंकफुली हमारे रियल एमसीयू में कैप्टन अमेरिका एक ट्रू हीरो है एंड ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स का सिनेरियो एक वार्निंग है कि कितना जरूरी है राइट चॉइस और ट्रू वैल्यूज को अपहोल्ड करना। आई होप कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा। सो लाइक करिए, फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।